आज के इस वीडियो में हम हमिंग बर्ड के जीवन चक्र और हमिंग बर्ड की कुछ जीवन के तथ्य के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दुनिया भर में पक्षी की संख्या लगभग 11,000 से भी ज्यादा प्रजाति पाए जाते हैं और पक्षी की विभिन्न प्रजाति में से हमिंग बर्ड भी शामिल है। हमिंग बर्ड अपने चटग्रह और दुनिया में सबसे छोटा पक्षी माना जाता है और छोटे होने के साथ साथ एनिमल्स लवर के साथ ये बहुत ही ज्यादा प्यारा होते हैं। आज दुनिया भर में हमिंग बर्ड की 300 से अधिक प्रजाति निवास करते हैं, जो की मूल रूप से अमेरिका महादेश और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और इसी तरह वनों में पाए जाते हैं। ये पक्षी हमिंग बर्ड की प्रजाति में से 2 इंच से लेकर 8 इंच तक शामिल है। दोस्तों, हमिंग बर्ड की वजन की अंदाजा इस बात के से लगा सकते हैं, यदि 150 हमिंग बर्ड को एक साथ रखा जाए तो उसका वजन 450 ग्राम होते हैं। हमिंग बर्ड भोजन के लिए छोटे छोटे कीट पतंगा और फूलों के रस खाया देखा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, हमिंग बर्ड की दिल एक ही मिनट में 1260 बार दिल धड़कते हैं। वही इसके पंख के बारे में बात करें तो पंख एक मिनट के अंदर अंदर 1200 बार फड़फड़ाते रहते हैं। हमिंग बर्ड की शरीर काफी तेजी से कैलोरी विकसित करते हैं और यही कारण से हर 10 मिनट के अंदर अंदर ये हमिंग बर्ड खाना ढूंढते रहते हैं और एक ही दिन में 2000 से अधिक फूलों का रस पीते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए और एक बात बता दूं, क्या है कि ये जो हमिंग बर्ड होते हैं ये चारों तरफ एक ही बार में घूम सकते हैं और किसी भी फूलों को रस पीने के लिए उसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती और ये हवा में उड़ते उड़ते ये काम आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, हमिंग बर्ड की लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होते हैं, जिसमें से एक और हैचिंग और चिक और एडल्ट, इस तरह चारों स्टेप पार करना पड़ता है। हमिंग बर्ड की जीवन की प्रक्रिया इन दोनों हमिंग बर्ड की मिलन के प्रक्रिया से शुरू होते हैं। मीटिंग की प्रक्रिया के पहले मेल हमिंग बर्ड फीमेल हमिंग बर्ड के लिए डांस करना, पीछा करना, इस तरह उसे इम्प्रेस करने के लिए कई तरह कार्य करते हैं और जब फीमेल बर्ड ये करने के बाद जो फीमेल बर्ड की हनी मिल जाते हैं, फीमेल बर्ड भी इम्प्रेस हो जाते हैं, तब ये फीमेल बर्ड इन दोनों के साथ मिलन की प्रक्रिया शुरू होते हैं। इस मिलन की प्रक्रिया की इन दोनों के मिलन की प्रक्रिया 3 से 5 सेकंड का समय लग जाते हैं और इन दोनों को मिलन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ये फीमेल जो होते हैं उसका पेट में अंडे विकसित होना शुरू हो जाते हैं। जब से फीमेल बर्ड की पेट में अंडा विकसित होने लग जाते हैं और मेल बर्ड अंडे देने के लिए घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं और ये घोंसला टिंकी और पत्ते के वजह से बनाए हुए और तो मकड़ी के बालों से बनाए जाते हैं ये घोंसले। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो हमिंग बर्ड की जो घोंसला होता है 1.5 से 2 इंच तक होते हैं। घोंसला बनाने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ये फीमेल हमिंग बर्ड जाके उस घोंसले में 2 ही अंडे देते हैं और इस अंडे में बच्चे को विकसित होने के लिए 14 दिन का समय लग जाते हैं और इसी दौरान हैचिंग का समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद इस अंडे से हैचिंग होके बच्चे निकलना आता है और इस हमिंग बर्ड के दूसरे चरण में आके पहुंच जाते हैं, हैचलिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं। हैचलिंग स्टेज में ये बच्चे बहुत ही ज्यादा कोमल होते हैं और इसका आकार नाक बंद रहते हैं और तो और इनके शरीर पर अभी तक पंख भी नहीं होते। ये बच्चे छोटे से बच्चे को जन्म देने के बाद ये माँ द्वारा देखभाल किया जाता है और इस भोजन के रूप में इस आसानी पोषने वाले चीजों को खिलाया जाते हैं इस बेबी बच्चे को। हैचलिंग स्टेज पे 4 से 5 दिन रहने के बाद ये हमिंग बर्ड लाइफ साइकिल के तीसरे चरण में पहुंच जाते हैं, सेकेंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं और इस स्टेज में ये थोड़े विकसित हो जाते हैं और इस बच्चे के आंख और कान दोनों पूरी तरह खुल चुके होते हैं और इस बेबी हमिंग बर्ड की फर धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं और ये नन्हे बच्चे अभी अपने पैरों पे खड़े होने लग जाते हैं। लेकिन ये बच्चे अभी भी गर्मी और भोजन माँ के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और इस स्टेज में इस हमिंग बर्ड की जो बेबी होते हैं उसको खाना खाना और शरीर को विकसित होना यही काम है और ये बच्चे थोड़ी बड़े होकर एक बड़े हमिंग बर्ड की तरह दिखाई देते हैं और इस स्टेज में 18 से 24 दिन का समय लग जाते हैं और तीसरी चरण पार्स करके 4th स्टेज में पहुंच जाते हैं और ये हमिंग बर्ड की जो बच्चे होते हैं एडल्ट में बदल जाते हैं और ये हमिंग बर्ड पूरी तरह विकसित होने लग जाते हैं और इनके पंख पूरी तरह घने और शरीर भी और इनके शरीर में पूरी तरह फर उगना खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये बच्चे अभी भी अपने घोंसले को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये बच्चे अभी भी उड़ान भरना सीखे होते हैं और तो और ये खाना अभी अकेले ढूंढ नहीं सकते और धीरे धीरे इसी तरह बाहर जाने के खुद को ढालना रख जाते हैं। ये लगभग पूरी तरह 28 दिन का समय समाप्त होने के बाद ये धीरे धीरे अपने घोंसले से बाहर होकर चले जाते हैं। लेकिन ये भोजन अपने खुद तलाशते हैं और ये अपने अकेले खाना तलाश करते हैं और फूलों के रस पीने लग जाते हैं। ये लगभग एक दिन में 2000 फूलों की रस
पीते हैं। हमिंग बर्ड को एडल्ट स्टेज में एकदम छोटे से एडल्ट में बदलने के लिए 28 दिन का समय लग जाते हैं, जो कि इसके भिन्न भिन्न प्रजाति में से भिन्न भिन्न आकार के हो सकते हैं। दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक हमिंग बर्ड एक साल में 3 से 4 बार तक अंडे देते हैं, और तो और ज्यादा हमिंग बर्ड अपने पहले साल में मर जाते हैं। और तो और ये हमिंग बर्ड पहले साल में ना मरे तो ये काफी समय तक जीवित रहते हैं। ये हमिंग बर्ड की प्रजाति में से ज्यादातर जीते हैं तो 5 साल तक जीवित रहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे।